हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारे सब क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला मेरा वीडियो जो आया था वो 12th क्लास का व्याकरण का हिंदी से था, जो कि आपका काव्यबोध से था। काव्यबोध आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वहां से नॉन वर्ब प्रश्न आते हैं। इस जो आपका सेकंड टॉपिक है ग्रामर का जो हिंदी से, वह आपका भाषा बोध का है, जिससे आपका एग्जाम में 12 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो हम मेरे वीडियो में आपको डायरेक्ट सीधा से डायरेक्टली किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो चीज भी आपको यहाँ सारी चीज बताई जाएगी तैयारी के साथ साथ, ठीक है ना। तो मेरे वीडियो से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से तैयारी करके और अच्छा आपको देने का प्रयास करूं, जिससे कि आपको कहीं और किसी वीडियो पे जाना ना पड़े, ना बुक्स पे जाना पड़े। मेरे वीडियो से आपका 101% आपका कार्य पूर्ण हो जाए, आपको सफलता मिल जाए, मेरा पूरा प्रयास यही रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं आपका हिंदी व्याकरण का सेकंड टॉपिक भाषा बोध, जो आपका एग्जाम में 12 नंबर का होने वाला है। देखते हैं कहां से उसे प्रश्न पूछा जाता है। चलो ठीक, ओके, ठीक है। तो आपका हिंदी का जो टॉपिक है वह है भाषा बोध, जो आपका व्याकरण का सेकंड टॉपिक है और ये आपका एग्जाम में होने वाला है 12 नंबर का। तो इसमें प्रश्न कहां से कैसे बनता है वो देखते हैं। एक नंबर वाले आपके 5 प्रश्न आना है, 2 नंबर वाले आपके 2 प्रश्न आना है और 3 नंबर वाले आपका 1 प्रश्न आना है। यानी 5 नंबर ये हो गए, 4 नंबर ये हो गए और 3 नंबर ये हो गए। यानी इस प्रकार से इस टॉपिक से आपके 12 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही। तो आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से नंबर का प्रश्न आपके पेपर में इस टॉपिक से रहता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन इस भाषा बोध का पहला नंबर पॉइंट, और पहला पॉइंट है मुहावरा। पहला पॉइंट कौन सा है? मुहावरा। तो सीधा आपका मुहावरा से प्रश्न पूछा जाता है कि मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। फिर इसके अलावा एक नंबर में यह भी जानकारी पूछा जाए कि हिंदी में मुहावरे का क्या अर्थ है, हिंदी में मुहावरे का क्या अर्थ है, तो हिंदी में मुहावरे का अर्थ है वाग धारा। वाग धारा हिंदी में मुहावरे का अर्थ होता है वाग धारा, और मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद देखते हैं मुहावरा का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर लिखा है, लास्ट मेरे वीडियो देखने के बाद आराम से आपका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपनी कॉपी में भी आप उतार सकते हो, बार बार वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर मेरे वीडियो से ही आपका इसका रिविजन आपका 100% हो जाएगा। आपको उतारने की जरूरत नहीं, जब भी आपको रिविजन लगे फट वीडियो दबाया और रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो मुहावरा का जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे मैंने कुछ मुहावरे के आपके उदाहरण दिए हैं, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, संभावना है कि एक नंबर में इन्हीं 4-5 मुहावरे से आपका एग्जाम में आ जाए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नंबर 2, श्री गणेश करना, यानी कि शुरुआत करना किसी भी चीज की। अपन कोई भी पूजा अर्चना मकान वगैरह में कुछ भी कार्य करते हैं तो श्री गणेश करते हैं। 4 चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना या फिर खुशी मनाना। अपना उल्लू सीधा करना, ये बहुत प्रचलित बात है, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका इस वाले टॉपिक से यहां तक का आपका एग्जाम में, यहां से यहां तक का जो प्रश्न आपका एक नंबर का प्रश्न आएगा। ये चीज मैंने आपको वीडियो में पहले बताई थी, आपको ये भी क्लियर कर दिया जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न कहां से आता है, ठीक है ना। तो एक नंबर का प्रश्न आपको यहां से आना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। नेक्स्ट वाला बिंदु भाषा होता वह है लोकोक्ति। लोकोक्ति से आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो किस प्रकार से प्रश्न बनेगा वो देखते हैं। लोकोक्ति, लोकोक्ति का सीधा अर्थ पूछा जाए, लोक में प्रचलित उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति। एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, लोक में प्रचलित उक्ति है क्या है, मुहावरा लोकोक्ति वगैरह, वो 4 ऑप्शन देगा। जैसा आपको लोक में प्रचलित उक्ति, जहां आपको लोकोक्ति दिख जाए उसको वही अपना उत्तर है। तो लोकोक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। अब इससे जो आपका प्रश्न बनेगा इस वाले यहां से, तो आपका ये यहां से जो प्रश्न बनना है वह 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। जो प्रश्न क्रमांक जो रहने वाला है आपका वह 14 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर पेपर में आपको 14 नंबर का जो प्रश्न दिखेगा वह आपका 14 नंबर का जो प्रश्न दिखने वाला है वह आपका 2 नंबर यहां से दिखेगा। 2 नंबर का प्रश्न सीधा
क्या प्रश्न आने वाला है, मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। दो नंबर का प्रश्न यानी 14 नंबर का प्रश्न आएगा, दो नंबर का वो आपका प्रश्न रहेगा लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो अपन को दो नंबर का रहेगा तो दो ही नंबर का लिखना है। क्या लिखना है, मुहावरे में एक वाक्यांश होता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि यह लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होते हैं और लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होते हैं। इतना सा आपको केवल दो नंबर में दो ही बात लिखनी है। एक मैंने यहां पर कुछ लोकोक्ति का एक लोकोक्ति भी ली है, लोकोक्ति देखिए दो लोकोक्ति लिखी है जो ज्यादा प्रचलित रहती है, आने की पूरी संभावना रहती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या है ये लोकोक्ति, अर्थ होता है दोषी हमेशा डरा हुआ रहता है, दोषी के मन में हमेशा दग दग रहता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, है ना, है ना। इस प्रकार से चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्हें दोषी डरा हुआ रहता है। नौ दिन चले अढ़ाई कोस यानी कि धीमी गति से काम करना। अपन ने साल भर धीमी गति से काम किया होगा लेकिन मेरे वीडियो से जुड़कर आप फास्ट गति में आ जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिला के दो नंबर का प्रश्न, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए या मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ लिखिए और एक एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से दो नंबर का प्रश्न आपका यहां से कंप्लीट हो जाना है। ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीन नंबर आपके कंप्लीट यहां से, भाषा बोध का अगला टॉपिक बिंदु विशेषण, ठीक है ना। विशेषण वाला जो प्रश्न है आपका, विशेषण वाला जो प्रश्न है यहां से, ये मैं आपको यहां क्लियर कर दूं पहले, जो प्रश्न एग्जाम में कहा कैसा आएगा, विशेषण और क्रिया विशेषण और निपात, या तो एग्जाम में प्रश्न आना कि निपात किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, या फिर विशेषण या क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। यहां से आपका दो नंबर का प्रश्न बनना है, ठीक है, यहां पर आपका दो नंबर का प्रश्न बनना है। जो 15 नंबर का जो प्रश्न रहेगा आपका, 15 प्रश्न है, वो आपका दो नंबर का प्रश्न आपका सीधा सीधा यहां से रहने वाला है। यानी कि या तो विशेषण या क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए, या फिर निपात किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। यानी कि यहां से आपका दो नंबर का प्रश्न सीधा सीधा आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आप बिल्कुल आराम से मेरे यहां पर सटीक उसका अर्थ यानी कि परिभाषा यानी किसे कहते हैं, सटीक मैंने सटीक लिखा हुआ आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण की अगर बात किया जाए तो उदाहरण आपको मैं छोटा सा यहां बताता हूं, जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का ही, अब राम यहां पर संज्ञा ही, राम लड़का ही, ये अच्छा जो है ये विशेषण है, ये राम की क्वालिटी को बता रहा है कि राम अच्छा लड़का है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। तो ठीक है, यहां ये अच्छा जो है यह विशेषण है, तो यानी ये विशेषण का एक उदाहरण हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा अर्थ क्या होता है, क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अगर मैं यहां लिख दूं कि राम खेलता है, राम खेलता है, और फिर मैं यहां वही शब्द लिख दूं अगर अच्छा, तो राम अच्छा खेलता है, तो ये अच्छा जो खेलता है ये खेल अच्छा खेलना, यानी अच्छा जो है खेल की विशेषता बता रहा है, तो राम अच्छा खेलता है, तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो मैं इसको आप इसका उदाहरण आप समझ गए हैं, इस प्रकार से आप उदाहरण खुद भी आप नया उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शब्द में निपात। निपात क्या होता है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं, वाक्य में जोर देने वाले शब्द, यानी वाक्य में जोर देने वाले शब्द, जोर देने वाले शब्द, तो किस प्रकार से वाक्य में जोर देने वाले शब्द होते हैं, इसका उदाहरण भी मैं आपको यहां बताता हूं। जैसे राम स्कूल
जाएगा, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, राम स्कूल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां एक और शब्द जोड़ देता हूं भी, राम भी स्कूल जाएगा, यानी कि वहां एक व्यक्ति की बात, यहां बहुत सारे लड़के स्कूल अगर जा रहे हैं तो उसमें बोल दिया जाएगा राम भी स्कूल जाएगा, वाक्य में जोर हो गया है, बात में जोर हो गया है, प्रभाव हो गया है। कुल मिला के निपात वाक्य में जोर देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। इतनी सी परिभाषा लिखना है, एक उदाहरण लिखना है, राम भी स्कूल जाएगा, ठीक है गाइस, काम कंप्लीट। आपने ये जो लिख रहा हूं मैं बोल के बोल रहा हूं वो आप इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इसके बाद तो ये दो नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, भाषा बोध का, जो भाषा बोध चल रहा अपना है ना, भाषा बोध, भाषा बोध का अगला जो बिंदु है वह है शब्दों के प्रकार, यानी शब्द परिचय एवं प्रकार, ठीक है। तो शब्दों के प्रकार में देखो, शब्द तो बहुत सारा इसमें मैटर होता है, शब्द चार भागों में बांटे गए हैं, लेकिन आपका जो ट्वेल्थ क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें डायरेक्ट शब्द दिए हैं, आपको इन्हीं शब्दों में से आपका क्वेश्चन बनना है। उसने शब्द भी क्लियर कर दिए हैं और अच्छी बात है, तो अपन को ज्यादा शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शब्द यहां से आपका जो बनना है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, यहां से जो प्रश्न आएगा वो आपका एक नंबर का प्रश्न आना है। कौन सा प्रश्न आना है? एक नंबर का आपका यहां से प्रश्न आना है, ठीक है। ये शब्द यहां तक चल रहे शब्द, ठीक है, ये यहां से आपका यहां तक जो चल रहा है वो पूरा एक नंबर चल रहा है, ठीक है। एक नंबर का आपका प्रश्न यहां से आना है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं शब्दों के प्रकार, तत्शब्द, इसका अर्थ संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में उपयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपको ऐसा पूछा जाएगा एक नंबर में, अग्नि कौन सी भाषा का शब्द है? तत्सम वायु, तत्सम पुत्र, तत्सम सूर्य, तत्सम। अगला है तद्भव, तद्भव संस्कृत से विकृत, इतना सा ही बात अगर आपको एक बात है कि संस्कृत से विकृत शब्द कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा, चार ऑप्शन रहेंगे, तद्भव संस्कृत के समान शब्द कहलाते हैं, चार ऑप्शन, तत्सम अपना उत्तर, ठीक है। तो संस्कृत से विकृत, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में उपयोग किए गए हैं लेकिन जब उनका हिंदी में रूपांतरण हुआ तो कुछ बदल गया है ना, चेंजेस हो गया, ठीक है। तो देखते कर्पूर, कर्पूर गौरम, कर्पूर अपन कहते हैं हिंदी में कर्पूर, उज्ज्वल हिंदी में कहते हैं उजला, हस्त हिंदी में कहते हैं हाथ, है ना। तो इस प्रकार से ही हो गया। अगला चलते हैं देशी या क्षेत्रीय शब्द, देशी या क्षेत्रीय शब्द से सीधा अर्थ है, अर्थ स्थानीय भाषा के शब्द, स्थानीय भाषा के शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो जहां जो स्थान लोकल एरिया है वहीं से वो शब्द बने हैं, दूसरी जगह जाएंगे तो वो शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द, ठीक है, जैसे लोटा, ये कोई शहर में नहीं मिला लोटा, है ना, पगड़ी, गड़बड़, अरे मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, थेला, वो थेला बनाते पहले अपने स्कूल जाते थे कट्टे का थेला, थेला, टट्टी, है ना, ये लोकल ही भाषा का टट्टी, है ना, ठीक है भाई। तो ये अपना कुल मिला के आपको ये आपका एक नंबर का। अगला इसमें प्रत्यय, अब देखो होता क्या है, मैंने आपको कहा कि दो नंबर का यहां से प्रश्न आया, लेकिन इसके अथवा में यहां से प्रत्यय, उपसर्ग या तकनीकी, इस प्रकार से शब्द भी यहां इसके अथवा में रहेगा। तो अथवा पर आपको कंप्लीट नहीं करना, अपन को 100% एक सीधा बता दूंगा, विशेषण, क्रिया विशेषण या निपात, इन दोनों से आपका एक प्रश्न दो नंबर का आएगा, इसलिए अपन को इनको एक नंबर कंप्लीट करना। प्रत्यय ऐसे शब्द जिसके कुछ आगे शब्द जुड़कर नया शब्द का रूप लेते हैं, प्रत्यय यानी कि जो आगे जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय जो जुड़ता है पीछे, प्रत्यय यानी पीछे जुड़ने वाला, मानव प्लस ता मानवता, उपसर्ग आगे शब्द के जुड़ने वाले, मन प्लस मोहन यानी मनमोहन, ठीक है। तकनीकी शब्द, ठीक है, तकनीकी शब्द देखते क्या होता है, स्पष्ट अर्थ किसी विषय की चर्चा के लिए प्रयुक्त शब्द, मैंने आपको सटीक यहां पर सटीक अर्थ बताए हैं,
ये आपके अर्थ बिल्कुल एकदम सटीक एग्जाम में आप लिख सकते हो, ज्यादा याद करने का लफड़ा झगड़ा नहीं है। तकनीक सब गुरुत्वाकर्षण वेग। इसके बाद इसमें एक और है, यहां से आपका एक नंबर का प्रश्न यहां से पर्यायवाची से आना है, एक नंबर का प्रश्न यहां पर्यायवाची से आपका आना है, ठीक है। ये एक नंबर का प्रश्न यहां से हो गया, ठीक है। पर्यायवाची जो मैंने आपको पर्यायवाची बताया उन्हीं से आपका एग्जाम पर्यायवाची आ रहा है। पर्यायवाची का अर्थ समान अर्थ देने वाले शब्द, बात खत्म, सीधी अर्थ, सीधा अर्थ, सीधी परिभाषा, समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ लिए अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, आग, कमल। कमल का पर्यायवाची याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जिस शब्द के पीछे ज हो वह कमल का पर्यायवाची है। पंकज, जलज, सरोज, नीरज। नदी का सरिता, तटनी, तरंगिनी, वाहिनी। पानी का जल, नीर, वारी, सलील। वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल। कुल मिला के अब देखते हैं कि इस वीडियो में अपन ने कितने नंबर कवर किए हैं, है ना। तो भाषा बोध का एक चैप्टर और रह गया है, तो अपन वो नेक्स्ट वीडियो में अपन लाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि 12 नंबर में से कितने नंबर कवर हुए, बाकी नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें वो नंबर कवर हो जाएंगे। तो एक बार वो नंबर गिन लेते हैं, एक नंबर, दो नंबर, यानी तीन, चार, पांच, छह और सात। इस वीडियो से आपके 7 नंबर कंप्लीट हो गए। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बाकी जो 7 और 5 नंबर का और आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एग्जाम में जाने से पहले फास्ट रिवीजन आपका हो सके। थैंक यू।